योग दिवस पर देश और दुनिया से योग की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना काल में योग का महत्व और ज़्यादा सामने आया है, लेकिन कई संस्थाएं और केंद्र लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। लोगों को निरोगी रखने के लिए संस्थाएं योग को मिशन की तरह अपना रही। फरीदाबाद के जीवाग्राम से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। जीवाग्राम के डायरेक्टर प्रताप चौहान ने भी योग किया और बताया कि दैनिक जीवन में कैसे ज़रूरी है योग और कैसे रोगों से बचाता है रोग। आज 7वां इंटरनेशनल योगा डे है और ऐसे में फरीदाबाद के जीवाग्राम में योग किया गया। डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया कि दैनिक जीवन में योग ज़रूरी है, रोगों से बचाता है योग, और न सिर्फ रोगों से बचाता है, आपको हेल्दी रखता है, और ये दैनिक दिनचर्या में अगर आप शामिल कर लें तो इससे बहुत बीमारियां कम हो सकती है। जो थीम है वेलबींग की, आयुर्वेद और योग दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो आयुर्वेद में क्योंकि हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ कौन है, जो फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर जो स्वस्थ है, जिसको कि वेलबींग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक विशेष ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया है जीवाग्राम में, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों को आयुर्वेद और योग से ज़्यादा लोगों को जोड़ें।